बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2012 में आपसे क्या पूछा गया था ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है जो कि इक्विलिब्रियम में है और उस रिएक्शन का एकदम कांस्टेंट भी 278 दे रखा है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, 2 मोल्स ऑफ SO2 रिएक्ट्स विद O2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ SO3 और उस रिएक्शन का आपको एकदम कांस्टेंट 278 दे रखा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन SO3 इन इक्विलिब्रियम विद SO2 विद हाफ मोल ऑफ O2 के लिए आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू। ठीक है, K की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जिस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, ठीक है, और जिसका निकालना है, दोनों में अगर देखोगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्पेसिस सेम है, बस फर्क ये उल्टे सीधे हो गए हैं, उनका कोफिशिएंट चेंज हो गया है और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो गया, जो कि मैंने आपको आज के देखोगे 2017 में ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको भी करा रखे हैं। ठीक है, क्या क्या बोला था मैंने आपको बच्चों, फोकस करना किस चीज पे, क्या क्या वेरिएशन आ रहा है। तो देखो हमको क्या चाहिए बच्चों, ध्यान देने दें हमको, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले कॉपी कर देता हूँ ना, क्या दे रखा है, 2SO2 इन द गैसियस फेज प्लस O2 इन द गैसियस फेज गिव्स 2 मोल्स ऑफ SO3 इन द गैसियस फेज। ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बच्चों, 278 है। ठीक है, अच्छा हमको निकालना किसके लिए, इसके लिए निकालना, ध्यान दीजिएगा, SO3 इन द गैसियस फेज इन इक्विलिब्रियम विद SO2 इन द गैसियस फेज प्लस हाफ O2 इन द गैसियस फेज, हमको इसके लिए निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना कितना। ठीक है, तो देखिए हमको चाहिए क्या बच्चों, क्या चाहिए, सॉरी इधर देखिए, क्या चाहिए, SO2 चाहिए, कितना चाहिए और किधर चाहिए, तो चाहिए हमको प्रोडक्ट की तरफ और इसमें कहां दिया बच्चों, रिएक्टेंट की तरफ, मतलब एक बात तो तय हो गया, इसको उल्टा करना ही पड़ेगा। वैसे भी देखिए हमको SO3 कहां चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ, इसमें कहां है, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब जो हमको चाहिए प्रोडक्ट में वो दिया है रिएक्टेंट में और जो रिएक्टेंट में चाहिए वो कहां दिया, प्रोडक्ट में, मतलब एक बात तो तय हो गया कि इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो हम क्या करेंगे, दो चीजें करनी पड़ेगी, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इस रिएक्शन को हम पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स करेंगे। दूसरी चीज हमको चाहिए बच्चों इसका एक मोल, यहाँ दिया दो मोल, अच्छा हमको चाहिए ऑक्सीजन का हाफ मोल, यहाँ दिया एक मोल, हमको चाहिए रिएक्टेंट का एक मोल, यहाँ दिया दो मोल, मतलब कि जितना हमको अमाउंट चाहिए ना उसका जस्ट डबल वहां दे रखा है, मतलब बच्चों क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब दो काम करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे और हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको ये रिएक्शन एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, अगर आप रिएक्शन क्या करते हो बच्चों, रिवर्स करते हो, तो रिवर्स करते हो तो क्या होता है बच्चों, रिवर्स करते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, शुरू बता रखा है, रिएक्शन रिवर्स करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, K बन गया 1/K। अच्छा एक और चीज, अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई किए तो बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़े पहले बताया, जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, कहां, थ्रू आउट द रिएक्शन, जितने नंबर से आप थ्रू आउट द रिएक्शन मल्टीप्लाई करते हो वो चले जाता है पावर में, तो अगर आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट द रिएक्शन तो वो कहां से ले जाएगा बच्चों, पावर में चले जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना ऑपरेट कर लेते हो, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, के डैश के बराबर हो जाएगा, तो यहां से के डैश किसके बराबर हो जाएगा, यही तो होगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, के डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/K की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए के की वैल्यू कितनी है, 278 है, तो क्या हो जाएगा 1/278 का अंडर रूट, जो कि अगर आप निकालेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 6×10^-2, यानी के डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6×10^-2 हो जाएगा, जो कि आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहां से सही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट, AIPMT 2011 में आपसे क्या सवाल पूछा गया था, देखिए यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखा है, पहला रिएक्शन ये वाला है N2 plus O2 gives 2 moles of NO और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, देखिएगा K1। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है बच्चों 2NO plus O2 से बन रहा है 2NO2 जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है बच्चों K2। ठीक है, तो दो रिएक्शन है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दे रखा है और आपसे पूछा क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आपसे क्या पूछा है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC पूछा है। ठीक है, चलिए तो KC की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ किसके, K1 और K2 के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, सेम वही कंसेप्ट, अभी आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चों 5 मिनट पहले, 2-3-5 मिनट पहले आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिला था,
एक का केसी था, दूसरे रिएक्शन का केसी डैश निकालना था, एंड ठीक है क्या करते हैं हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लिखने जाएंगे बच्चों तो इसमें बहुत सारे रिएक्शन, मतलब तीन रिएक्शन के तीन कांस्टेंट लिखोगे, फिर गुना भाग करोगे, काफी टाइम लगाओगे, तो बेटर ये ऑब्जर्वेशन करो और सीधा आंसर पाओ, ठीक है। चलिए तो क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा, पहला क्या दे रखा है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बस करना है बच्चों, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है। क्या दे रखा है, 2NO in the gaseous phase, equilibrium constant है केवल। चलिए दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, 2NO plus O2, 2NO2 K2, constant K2 दे रखा है। आपको find किसका करना है, ठीक है। तो find करना है किसके लिए, मैं यहां पे arrow लगा लूं, किसके लिए find करना है, देखिए यहां पर NO2 in the gaseous phase in equilibrium with half N2 प्लस O2 इन द गैसेस पे, इसके लिए हमको केसी फाइंड करना है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ ये K1 और K2। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, हमको देखो बच्चों NO2 कहां चाहिए, रिएक्टेंट में है, कहां पर, प्रोडक्ट में, पहली चीज तो, मतलब एक बात होता है अगर ये रिएक्शन हो जाएगा उल्टा, ठीक। दूसरी चीज बच्चों हमको चाहिए 1 मोल और यहाँ कितना, 2 मोल, मतलब एक और चीज, इसको हाफ से, मतलब इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब बच्चों इसमें दो काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा इसको रिवर्स और एक काम करना पड़ेगा इसको हाफ से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक तो करना पड़ेगा इस रिएक्शन को उल्टा, क्यों, क्योंकि इसमें दिया है प्रोडक्ट में NO2 और चाहिए रिएक्टेंट में, पहली चीज। दूसरा हाफ से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए 1 मोल और यहाँ दिया कितना, 2 मोल। ये बात तो क्लियर हो गया, अच्छा और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं। तो देखिए हमको चाहिए N2, ठीक है, किधर, प्रोडक्ट में, यहाँ क्या है बच्चों, रिएक्टेंट में, मतलब एक बात और तय हो गया कि N2 जो हमको प्रोडक्ट में चाहिए वो दिया रिएक्टेंट, मतलब ये क्या करना पड़ेगा, उल्टा। दूसरी चीज चाहिए हमको हाफ मोल और दिया कितना, 1 मोल, मतलब एक बात और तय हो गया कि इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बच्चों इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देख लो N2 कहाँ है प्रोडक्ट में, सही, चाहिए कहाँ प्रोडक्ट में, दिया कहाँ है रिएक्टेंट में, कर दिए उल्टा, चाहिए हाफ मोल, दिया 1 मोल है, कर दिया हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। NO2 कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, दिया कहाँ है प्रोडक्ट में, कर दिया हमने रिवर्स। N2 कितना चाहिए, 1 मोल, दिया कितना है, 2 मोल, कर दिया हमने हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर बच्चों ये दो प्रॉपर्टी लगाए तो बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब क्या हो जाएगा, ये अब केवल नहीं रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/K1, पहली चीज तो रिवर्स करते हैं, इन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जितने से आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जितने से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो कहां चला जाता है, उसके पावर में, तो चले गया इसके पावर में, ठीक है। वही सेम काम यहां करेंगे बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, रिवर्स किया मतलब ये उल्टा, तो हो गया 1/K2। हाफ से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट द इक्वेशन, जितने से मल्टीप्लाई करते हो चला जाता है पावर में, मतलब हो गया पावर 1/2, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आप इसके अलावा पहुंच जाओ कैसे, आप चेक कर लो कि आपके यहाँ से केसी क्या चाहिए था, केसी क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखना आता है ना, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कहां चले जाएगा, नीचे, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आपने क्या किया, इन ऑपरेटेड कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये ऑपरेशन, ये आपको कहां से मिलेगा, तो इनके मल्टीप्लीकेशन से, जो आपने ऑपरेटेड न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 1/K1 × 1/K2 की पावर 1/2, क्योंकि दोनों पावर कॉमन है ना, हाफ एंड हाफ, तो एक साथ इकट्ठे पावर हाफ लिखा, ठीक है। अब चेक करिए केसी किसके बराबर है, 1/K1 × K2 की होल पावर हाफ। अब आप चेक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी से मैच करता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों AIPMT प्री 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपको फिर से एक रिएक्शन दे रखा है, और बच्चों देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार मिल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन, इस वैरायटी क्वेश्चन तीसरी बार मिल रहा है, तो ली चेकर्स प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको दिख रहा होगा, बार बार हर 2 साल में ये रिपीट होता ही होता है, हर 2 साल 3 साल में रिपीट होता ही होता है, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन X2 प्लस 4/2 जो कि दे रहा है आपको 2X/4 और प्लस हीट, देखिए हीट कहाँ पे बच्चों, प्रोडक्ट की तरफ है, तो यानी हीट क्या हो रहा है बच्चों, रिलीज हो रहा है, मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है आपको
कि फाइंड द सुटेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब x बाई 4 के मैक्सिमम फॉर्मेशन के लिए हमको टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको सॉल्व करना अगर स्टार्ट करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन x2 इन द गैसियस फेज प्लस 4y2 इन द गैसियस फेज गिव्स 2 मोल्स ऑफ x बाई 4 इन द गैसियस फेज प्लस हीट। चलिए ये हो गया। अच्छा हमको करना क्या है बच्चों, मैक्सिमम फॉर्मेशन करवाना है किसका, प्रोडक्ट का। मतलब हमको कहाँ जाना है बच्चों, हमको जाना है फॉरवर्ड। हमको कहाँ जाना है बच्चों, फॉरवर्ड। अच्छा अगर हमको फॉरवर्ड की तरफ जाना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, ठीक है टेम्परेचर को कम किया तो यानी हीट क्या है बच्चों, कम हो रहा है। ये तो हमारा काम था, सिस्टम इसमें रिएक्ट कैसे करेगा, मतलब सिस्टम अपना रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो लीचेटर्स प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या होता है लीचेटर्स प्रिंसिपल, जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। तो अगर आपने हीट कम किया है बच्चों तो सिस्टम क्या करेगा, हीट इंक्रीज करेगा। मतलब कि सिस्टम हीट इंक्रीज करेगा, हीट इंक्रीज करने के लिए किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, आप चेक करो। हीट इंक्रीज करना है, हीट इंक्रीज कैसे होगा आप बताओ, हीट इंक्रीज करना है, हीट इंक्रीज कैसे होगा। देखिए हीट कहां पर है, प्रोडक्ट में, और इसको इसी हीट क्या करना है, देखिए यहां पे इसी हीट को बढ़ाना है। मतलब रिएक्शन कहां जाएगा लेकर के, आगे की तरफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरफ है। तो अगर प्रोडक्ट को बढ़ाना है, हीट जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अगर उसको बढ़ाना है तो रिएक्शन कहां जाएगा लेकर के, फॉरवर्ड। तो ये कहां जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड। ठीक है, और हमको फॉरवर्ड ही जाना था, मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज अब प्रेशर मापते हैं। देखिए अगर हमने क्या किया बच्चों, प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है प्रेशर इंक्रीज क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या होगा, इंक्रीज। ये तो हमारा काम था, सिस्टम क्या करेगा, कैसे रिस्पॉन्सिव करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसको। तो हमने जो काम किया उसका जस्ट उल्टा काम करेगा, वो क्या करेगा, मोल्स को कम करेगा। मतलब कि सिस्टम रिएक्शन को उस तरफ लेकर के जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, कम होगा। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है, तो अब चेक करिए इधर गैसेस मोल कितने हैं, गैसेस फेज में 1 मोल, गैसेस फेज में 4 मोल, तो कुल कितने मोल हो गए, 5 मोल। इधर कुल कितने हो गए बच्चों, 2 मोल हो गए। तो मतलब कि आप देखो 5 से 2 की तरफ जाओगे, अगर 5 से 2 की तरफ जाना मतलब आपको पता है ना नंबर कम हो रहा है, 5 से 3 कम हो के 4 से 3 से 2, मतलब 5 से 2 क्या नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, तो मतलब फॉरवर्ड है। तो नंबर ऑफ मोल्स कम किधर हो रहा है, देखो 5 से 2 फॉरवर्ड में कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन फिर कहां जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड ही जाएगा। तो टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड जा रहा है, प्रेशर के ये देख लो, प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन कहां जा रहा है, कम मोल की तरफ। कम मोल किधर है, देखो तो कम मोल किधर है, 5 से 2 किधर है, फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड जाना था, टेम्परेचर कम करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहां दिख रहा है बच्चों, लो टेम्परेचर ये रहा लो टेम्परेचर, ठीक है, और हाई प्रेशर ये रहा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यहाँ लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और बाकी तो दोनों हाई टेम्परेचर है। ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2010 में आपसे क्या पूछा गया था, देखिए आपको यहाँ पर चार रिएक्शन दिया, ABCD चार ऑप्शन आपको चार रिएक्शन दिया है, और आपको बोला है किस रिएक्शन के लिए KPKC के बराबर नहीं है, KPKC के बराबर नहीं होगा। ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में थोड़ा स्टोरी बता दूं किसके लिए की पॉइंट क्या होता है, रिलेशन होता है, देखिए डायरेक्टली रिलेशन होता है इसका केपी और केसी का। तो केपी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, केसी इंटू आरटी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। ठीक है जहां पर केपी क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, केसी क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन होता है, डेल्टा एनजी क्या होता है, तो डेल्टा एनजी जो होता है बच्चों ये होता है चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल फॉर ए पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन। डेल्टा एनजी निकालते कैसे बच्चों, समीशन एनपी माइनस समीशन एनआर, मतलब प्रोडक्ट के जितने भी गैसियस मोल होंगे उनको जोड़ लो, माइनस क्या करोगे रिएक्टेंट में जितने भी गैसियस मोल होंगे इनका डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डेल्टा एनजी होता है। अब देखिए अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, जीरो, डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, तो अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो जाए तो केपी क्या हो जाएगा बच्चों, केसी के बराबर, क्यों, क्योंकि डेल्टा एनजी हो गया जीरो, तो आरटी रेस्ट पावर जीरो कितना, 1 हो जाएगा, तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा। अच्छा है अगर डेल्टा एनजी क्या हो जाए बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है इसे फिर दो केस होता है, कैसे कैसे देखिए, अगर क्या हो जाए, इफ डेल्टा एनजी क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। ठीक है तो अगर डेल्टा एनजी क्या हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
kp equals to kc into rt raised to power something of positive value, greater than 0 तो something of positive put करेंगे, so therefore क्या हो जाएगा बच्चों, kp greater than kc, यही तो होगा, kp जो क्या है, kc into something of positive value, ठीक है, यानी kp बड़ा हो जाएगा, अच्छा, अगर बच्चों क्या हो जाए, delta ng क्या हो जाए, less than 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, kp equals to kc into rt raised to power something of negative, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, kp equals to kc upon rt पावर समथिंग ऑफ पॉजिटिव पार्ट. अब देखिए केपी क्या है बच्चों, केसी अपॉन अपॉन में चले गया, मतलब केपी की वैल्यू क्या होगी, केसी अपॉन समथिंग, मतलब केपी की वैल्यू क्या होगी, केसी से हर हाल में छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये केपी छोटा हो गया, केसी बड़ा हो गया, ठीक है, पर हमको यहाँ पे ये नहीं करना था कि कौन बड़ा कौन छोटा, हमको सिर्फ ये देखना था कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि केपी केसी के बराबर नहीं है, तो डेल्टा एन जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो यही क्या होगा बच्चों, kp is not equal to kc, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो अगर आपको इस सारे कंडीशन समझ में आ गए कि डेल्टा एन जीरो है तो kp kc के बराबर है, डेल्टा एन जीरो नहीं है तो kp kc बराबर नहीं होगा, अंदर क्या हो रहा है वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने आपको बता दिया, चलिए kp kc बराबर नहीं है, चेक करते हैं इसके लिए डेल्टा एन कितना होगा बताइए, तो थोड़ा गैसियस मोल एक और एक दो होता है टू माइनस गैसियस मोनो प्रोडक्ट कितना एक और एक दो, रिएक्टेंट कितने दो, टू माइनस टू कितना जीरो, अच्छा यहाँ पर गैसियस मोल कितना देखिए तो एक और एक दो माइनस गैसियस एक और एक दो जीरो, तो ये जीरो हो गया मतलब केपी केसी देख लो जीरो हो गया तो केपी केसी बराबर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये जीरो हो गया डेल्टा एन जी जीरो है मतलब फिर केपी केसी बराबर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अच्छा इस ऑप्शन में ये डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बच्चों, गैसियस मोल कितने दो प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट गैसेस मोल कितने दो, ये भी हो गया जीरो, जीरो होते ही केपी केसी बराबर होता है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ आ जाइए डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा बच्चों, तो गैसियस मोल प्रोडक्ट में कितने हैं देखिए दो ही है, ठीक है माइनस रिएक्टेंट में आएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो सॉलिड है ना, ये तो हम लेंगे क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे जी लगा मतलब सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल की गिनती करते हैं, ठीक है, तो ये तो बच्चों सॉलिड फेज में ऐसी गिनती करेंगे नहीं, तो बचा क्या सिर्फ ऑक्सीजन जो कि एक है, एक गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट है, तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, डेल्टा एन जी इस बार इक्वल टू जीरो नहीं है, डेल्टा एनजी वन है, अब वन है पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया ना, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया मतलब केपी केसी के बराबर नहीं होगा, मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए अब चलते बच्चों 2010 के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बच्चों 2010 AIPMT का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों देखिए बस लैंग्वेज इस क्वेश्चन में ही है, बड़ा सा लिखा है और ऑप्शन तो और खतरनाक सा दिया है, पर इससे करना कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है सॉल्व नहीं किया, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं किया, ठीक है, पर नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, डराने के लिए ऐसा कुछ करके दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन है 2A, कॉपी कर लेते हैं 2A इन द गैसियस फेज प्लस बी इन द गैसियस फेज गिव्स 3C इन द गैसियस फेज प्लस डी इन द गैसियस फेज, बोलता है इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में ए और बी दोनों का इनिशियल कंसेंट्रेशन वन मोलर लेकर के चला गया है, चलिए तो डिफाइन कर लेते हैं बच्चों टी को जीरो पे कितना होगा वन, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये साफ साफ दे रखा है कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन बिगन भी देखिए, बिगन मतलब स्टार्ट हुआ कहां से, ए और बी का कंसेंट्रेशन कितना लेके चला गया है वन मोलर, तो ये वन है ये भी वन, उस समय कितना होगा बच्चों नील एंड नील जीरो एंड जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट वन ही था, ठीक है आगे चलते हैं, अब मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया अचीव कर लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ा मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या होंगे बच्चों कम होंगे और उसी रेशियो में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन x अमाउंट से क्या हो गया कम हो गया, तो इसको हमने कितना लिखा 1 माइनस x लिखा, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कितने से कम होगा, एक कंसंट्रेशन कम होगा कितने से x अमाउंट से, तो बचा कितना पहले से एक था x अमाउंट का कम हो गया 1 माइनस x, चलिए अब b का इनिशियल अमाउंट कितना है कंसंट्रेशन 1 है, अच्छा ये भी रिएक्टेंट है ये भी गायब होगा तो ये भी लिखेंगे माइनस n के साथ, अब देखिए ये जो कुछ भी होगा आगे सब रेशियो में चलेगा, तो a का 2 मोल b के 1 मोल से रिएक्ट करता है, यानी कि अगर a का x कंसंट्रेशन पार्ट गायब होता है तो b क्या होगा उसके जस्ट आधा, क्यों क्योंकि a का जस्ट आधा b है, तो अगर ये x गायब हुआ तो ये कितना गायब होगा x upon 2 होगा, क्या आप लिख सकते हैं ऐसा बहुत सिंपल है, देख लो a का आधा जस्ट b है ना, a का आधा b है तो जितना a गायब होगा उसका आधा कौन गायब होगा b गायब होगा हाफ, ठीक है अच्छा a के रेस्पेक्ट में देखिए a का 2 मोल c के 3 मोल के इक्विवेलेंट है, a का 2 मोल c के 3 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है, तो अगर ये x गायब होता है ये कितना प्रोड्यूस होगा 3/2x, कैसे यूनिट लगा लो ना, देखो
दो ए से कितना सी मिल रहा है, थ्री सी, तो एक ए से कितना मिलता है, एक ए से कितना मिलता है, थ्री बाई टू सी, गायब कितना हुआ है एक्स, तो एक्स एक गायब होने से कितना मिलेगा, थ्री बाई टू इंटू एक्स ऑफ सी। सिंपल यूनिटरी मेथड है बच्चों, यूनिटरी मेथड बच्चों ने पढ़ते रहे, ठीक है। थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा, प्रोडक्शन कितना होगा सी का, थ्री बाई टू एक्स। डी कितना प्रोड्यूस होगा आप चेक करो, ए है कितना टू मोल, डी कितना एक मोल, जस्ट आधा है, मतलब इसका जस्ट आधा है डी, मतलब अगर ये x गायब हो रहा है तो उसका फॉर्मेशन कितना होगा, जस्ट आधा x अपॉन 2, यही। अच्छा ये तो क्या सिंपल एक्सप्रेशन, अब अगर आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ d इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.25 मोलर। मतलब बच्चों कि इक्विलिब्रियम, देखो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं तो d का कंसंट्रेशन कितना मेजर किया जाता है, 0.25। मतलब बच्चों d का कंसंट्रेशन कितना है, ये देखो इक्विलिब्रियम पर d का कंसंट्रेशन कितना x/2 है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन किया कितना 0.25, मतलब x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0.25। तो क्या आप इसका यूज करके x बता सकते हो, x कितना हो जाएगा बच्चों 0.50, यही तो होगा, x कितना हो जाएगा बच्चों 0.50। क्यों, क्योंकि x upon 2 की वैल्यू कितनी है 0.25, जो हमने यहां से इक्वेट किया, x क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2, 0.50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बात कि x की वैल्यू 0.5 कैसे निकला, तो क्या आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, चलो पुट करो, तो x वैल्यू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0.50, मतलब कितना हो जाएगा 0.50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 - x वैल्यू रखो 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, मतलब 0.25, 0.5 अपॉन 2, मैंने डायरेक्टली लिखा 0.25, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.75। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 इंटू x वैल्यू कितना रखा 0.5, तो कितना हो जाएगा 3 × 0.5/2, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 1.5/2, मतलब ये भी हो जाएगा 0.75, मल्टीप्लाई करो 3 × 5 = 15, मतलब 1.5/2 0.75, ठीक है। और ये कितना है बच्चों, ये तो पहले से ही है 0.25, चेक करो एक बार, बोलोगे ये क्या है बच्चों, x की वैल्यू है ना, पर d कितना है इक्विलिब्रियम पर x/2, और x/2 डायरेक्टली कितना है 0.25। तो आपको इक्विलिब्रियम पर a का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर बी का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर सी का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर डी का कंसंट्रेशन मिल चुका है, बचा गया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे निकालना है, चलिए जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत तो रही नहीं, तो फटाफट हम क्या करते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं बच्चों। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, केसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही होगा, सारे वैल्यूज को पुट करिए, सी कितना है 0.75, तो ये जाएगा बच्चों 0.75 का क्यूब इनटू, डी कितना है बच्चों 0.25, तो लिखा हमने 0.25 अपॉन नीचे ए, ए कितना है बच्चों, ए कितना है 0.5, तो लिखा 0.50 का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों, बी है 0.75, तो लिखा हमने 0.75, बस इतना ही करके छोड़ दें, क्योंकि भाई बच्चों आपको ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आगे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मैच करिए 0.75 का क्यूब 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 किसमें सब में, अच्छा 0.25 ये बच्चों सब में, 0.50 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, चेक करिए ये गलत हो गया, ये सही दिख रहा है, ये सही, ये गलत हो गया, अच्छा आगे आते हैं 0.75 किसमें है, इसमें है नहीं है गलत है, ये इसमें मिल रहा है मैच कर रहा हूँ, मतलब ये सही है ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी, बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों तो इस चैप्टर हम 2010 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चलिए आज के क्लास में यहीं तक सॉल्व करेंगे, धन्यवाद।